अगर आप रोज कुछ नया जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अपने इस यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड नारायण को। कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, इसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैववर्त पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उसमें स्पष्ट है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी, स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे, पाप का बोलबाला चारों ओर होगा, मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और फिर वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के आगमन के साथ कलयुग समाप्त हो जाएगा। कल्कि के बारे में कहा जाता है कि वह एक सफेद घोड़े पर दिखाई देते हैं, तलवार चलाते हुए और दुनिया पर हावी होने वाली बुरी ताकतों को नष्ट कर देंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे, गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मास्टरमाइंड नारायण YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।